हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 2 फरवरी है, 2 फरवरी 2018 है और इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। वीडियो का थंबनेल ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया और काफ़ी सारे पॉलिटिकल इश्यूज आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग राजनीतियाँ कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो व्हाट्सएप हो, 68,500 भर्ती को लेकर। तो ऐसी छोटा पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ। मुझे ध्यान है कल 1 फरवरी को कोई सोनू सिंह नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने यूट्यूब के हमारी वीडियो पे जाके कमेंट किया कि मैं आपको कोई कंटेंट नहीं दे रहा हूँ, किसी का कॉपी कट मैटर दे रहा हूँ। तो ये मेरा चैलेंज ऐसे ही सोनू सिंह नाम के सभी व्यक्तियों को है कि मैं इस वीडियो में आपकी तैयारी को चेक करने के लिए 5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। फिर से सुनिएगा, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से 5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और चाहे आप इलाहाबाद में कोचिंग की हो, चाहे आपने दिल्ली में कोचिंग की हो, या आप मंगल ग्रह पर कोचिंग करके आए हो और आप हमारे 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये 5 क्वेश्चन टोटली परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पैटर्न पर आधारित हैं और यदि आपने अपने डिप्लोमा को अच्छे से किया है तो आपको इस पैटर्न का अंदाजा, इस पैटर्न का पता जरूर होना चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे सभी लोग, चाहे मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो या ना देख रहे हो, आपने तैयारी कितनी अच्छी की है इन सब का पता चल जाएगा कि अगर आपको इन 5 में से 2 से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर आते हैं। तो मैं आपको ले चलूंगा अपनी नई स्लाइड्स पर, दिखाऊंगा वो 5 क्वेश्चंस कौन से हैं। और काफ़ी लोगों ने या जो भी लोग ये क्वेश्चन एराइज करा रहे हैं कि आखिरकार हम जो ये एग्ज़ाम डाइजेस्ट में दिखाना चाहूंगा, ये एग्ज़ाम डाइजेस्ट जो लेके आए हो आखिरकार मैंने कहाँ से बनाया, तो इस रिवील, इस चीज़ को मैं रिवील करने वाला हूँ, प्रदर्शित करने वाला हूँ इस वीडियो की सेकेंड स्लाइड में। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ वीडियो की सेकेंड स्लाइड में, सारी चीज़ों को दिखाता हूँ, उसके बाद देन फिर मैं बात करूंगा उन लोगों से। और मैं जितने भी क्वेश्चन दूँ वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप उनके जवाब दीजिएगा और मैं रात में 9 बजे के बाद पार्टिकुलर 1 by 1 उन क्वेश्चंस के आंसर दूंगा कि आखिरकार उन क्वेश्चंस का सही आंसर क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं वो 5 क्वेश्चन। हाँ, यदि आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो उनके जवाब जरूर दीजिएगा। और यदि आपको केवल BC करना आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल से दूर रहिएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट की हक की बात कही जा रही है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं अपने वो कौन से 5। फ्रेंड्स, अपने वीडियो के इस पार्ट में आप सभी लोगों को 5 क्वेश्चन देने वाला हूं और ये 5 क्वेश्चन इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारी को जज कर सको। कुछ लोग लगातार जो चिलगोजे टाइप के लोग थे वो कल से लगातार वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर रहे हैं कि आप किसी का कॉपी कट दे रहे हैं, किसी का कॉपी कट दे रहे हैं। तो तुमको कितना आता है तुम्हारी उस चीज़ को चेक करने के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि देखो कि तुमने क्या बाहर जाके पढ़ा। ये कोई नहीं, ये जो लोग या तो ये कोई किसी कोचिंग के संचालक हैं या ये कोई नेता टाइप की पर्सनालिटी है जो खुद तो किसी प्रशिक्षु कोई काम नहीं करते, बस BC करने के लिए हमेशा आगे खड़े हो जाते हैं। तो प्लीज आप लोग हमारे वीडियो से 10 कदम दूरी बना के रखिएगा। यहां पर मैं 5 क्वेश्चन देने वाला हूं अपने सभी व्यूअर्स को और आप इनके जवाब जो है मुझको दीजिएगा। खासतौर पर जो BC करने वाले लोग हैं वो जरूर जाके इनके जवाब दें, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूं कि पहला क्वेश्चन कौन सा हमारे पास है। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ वो ये है कि प्रतिभाशाली बच्चों का चिंतन कैसा होता है। आपने पैटर्न देख लिया होगा, पैटर्न कैसा आना है और आपको यहाँ पर उसका आंसर हमको बताना है कि प्रतिभाशाली बच्चों का चिंतन कैसा होता है। दूसरा क्वेश्चन है, इस सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये किस राइटर की रचना है, आपको इसका नाम यहाँ पर हमको लिख के देना है। यदि कठिनाई स्तर 40% हो तो विभेदन क्षमता बताएं। यहाँ पर विभेदन क्षमता आपको बतानी है कि जब कठिनाई स्तर 40% होगा तो विभेदन क्षमता कितनी होगी, आप हमको यहाँ पर लगा के दिखाइएगा इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न ... का विकास करते हैं, वो किस चीज़ का विकास करते हैं, ये इस चीज़ का आंसर आपको हमें यहाँ पर इस बॉक्स में देना है। प्रमाणीकृत परीक्षण हेतु सर्वाधिक आवश्यक क्या, क्या वो चीज़ है जो प्रमाणीकृत परीक्षण के सर्वाधिक आवश्यक होती है। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको हमको देने हैं। जैसे ही आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, इस पूरे पेज की PDF मैंने वहाँ पे डाल रखी है, आप चाहे इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना हार्ड कॉपी में भी इसको लिख के अपने पास रख सकते हैं ताकि आपको कुछ अंदाज़ा हो जाए, कुछ प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरीके से जो है वो आपको काम करने हैं। अब ये जो बहुत चिलगोजे टाइप के लोग जो बोल रहे थे एग्ज़ाम डाइजेस्ट के बारे में, तो मैं अब ज़रा उसके बारे में कुछ चीज़ें रिवील करने वाला हूँ यहाँ पर। ये है मेरा एग्ज़ाम डाइजेस्ट। आखिरकार एग्ज़ाम डाइजेस्ट को लिखने में इतनी मेहनत क्यों क्योंकि इसमें मैंने हर चीज़ का तोड़ दे रखा है। जो शिक्षा मित्र को, SM को जो 2 किताबें मिलती हैं उन दोनों किताबों का सार है ये। जो BTC की 10 बुक आपने पढ़ी होंगी उन 10 बुकों का सार यहाँ पे। BTC की 10 बुक कौन सी, आपके हर सेमेस्टर में 2-2 बुक साइकोलॉजी की होती है, आपको पता है 4 सेमेस्टर में 8 किताबें हो गई, बाकी आपकी 1 किताब SST की और 1 किताब आपकी इंग्लिश की, उसका भी निचोड़ मैंने यहाँ पर दिया है। SCRT 5 जनरल, SCRT के 5 इंपॉर्टेंट जनरल जिसमें कि हमने
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी लिया है, आरंभिक स्तर पर पठन कौशल भी लिया है और जीवन कौशल भी लिया है। उन सभी पांच जर्नल को मिलाकर इन सब का मिक्सचर मैंने इसमें दिया है। उसके अलावा आप और देखिए CBSE का जो CC है उस पर भी आधारित क्वेश्चन इसमें आपको हैं, और SCERT UP की कक्षा 5 से 8 की, SST की जितनी भी आपकी किताब है विद इंक्लूडिंग EVS, उन सब का निचोड़ आपको इसमें मिलेगा। उसके अलावा जो संस्कृत जो CBSE बोर्ड की है क्लास 3, 4, 5 उनका भी निचोड़ इस किताब में, तो इतनी सारी चीज़ों का निचोड़ आपको इस एग्ज़ाम डाइजेस्ट में मिल रहा है। मुझे पक्का पता है कि जो कोचिंग टाइप पर्सनालिटी हैं, जो नेता नगरी टाइप की पर्सनालिटी, उनको इस चीज़ से बहुत जलन हो रही है। तो मेरा ये मैसेज है ऑल BTC ट्रेनिंग, चाहे आप शिक्षा मित्र हो कोई भी हो, मन लगाकर आप पढ़ाई करिए, ठीक है? फिर भी मैं कह रहा हूँ मन लगाकर पढ़ाई करिए, राजनीति